वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम लोग इस फिगर के अंदर शेडेड एरिया फाइंड करेंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस तरह है, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल। ओ जो है सर्किल का सेंटर है। ओ पी क्यू आर इज़ अ रेक्टेंगल। ओ पी क्यू आर एक रेक्टेंगल है। और बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ओ आर। बी ओ आर का मिड पॉइंट है। एंड ओ ए इक्वल्स 1/3 ऑफ पी ओ, यानी ओ ए जो है पी ओ का 1/3 है। पी ए गिवन है 8 यूनिट्स। देन व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो इस शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस शेडेड एरिया को फाइंड करने के लिए हम लोगों को इस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ पता होना चाहिए और इस सर्कल का रेडियस पता होना चाहिए। तो पहले वो फाइंड करेंगे, उसके बाद इस शेडेड रीजन को हम लोग आसानी से फाइंड कर लेंगे। पी ए बराबर होगा पी ओ माइनस ए ओ। पी ओ माइनस ए ओ। पी ए गिवन है 8 यूनिट्स और पी ओ माइनस ए ओ गिवन है 1/3 ऑफ पी ओ। ठीक है, पी ओ में से 1/3 पी ओ घटाएंगे तो बचेगा 2/3 ऑफ पी ओ। ठीक है, यानी 8 × 3/2 इक्वल्स हो जाएगा पी ओ, 12 इक्वल्स पी ओ। यानी पी ओ जो है इस रेक्टेंगल का लेंथ वो हो जाएगा 12 यूनिट्स। अब हम लोग ए ओ इक्वल है पी ओ माइनस पी ए। पी ओ को अभी हमने फाइंड किया है, 12 है, 12 माइनस और पी ए गिवन है 8, माइनस 8 इक्वल्स 4। तो ए ओ हो गया 4। इस रेक्टेंगल का लेंथ पता हो गया है और इस सर्कल का रेडियस अभी पता हो गया है। अब हम लोग इस रेक्टेंगल का ब्रेथ पता करेंगे। तो बी आर इक्वल ओ बी गिवन है इक्वल, ओ बी भी इस सर्कल का रेडियस है और इस सर्कल का रेडियस ओ ए भी है, तो ओ बी इक्वल होगा ओ ए के। ओ ए और ओ ए कितना है, ओ ए हमने अभी फाइंड किया है 4 है, तो 4। ठीक है, तो बी आर भी 4 हो गया और ओ बी भी 4 हो गया। ठीक है, तो ओ आर इक्वल होगा 4 + 4 इक्वल्स 8। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल का ब्रेथ भी पता हो गया और लेंथ भी पता हो गया और इस सर्कल का रेडियस भी हमने फाइंड कर लिया है। अब हम लोगों को इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, तो चलिए उसको फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल होगा, शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया और इस पूरे सर्कल के एरिया में से हम लोग इस क्वाड्रेंट के एरिया को दो बार घटाएंगे, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। और सब्ट्रैक्ट क्या करना होगा, इस क्वाड्रेंट का एरिया यानी 1/4 πr². ठीक है, और उसका फिर जोड़ेंगे इस पूरे सर्कल का एरिया प्लस πr² और फिर माइनस कर देंगे एक और क्वाड्रेंट का एरिया, क्योंकि इस सर्कल में से एक क्वाड्रेंट घटाना होगा, तो 1/4 πr² लेंथ इंटू ब्रेथ। और देखिए, एक बार ये क्वाड्रेंट फिर ये क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट घटाना है, यानी दो क्वाड्रेंट मिलकर क्या होता है, एक सेमी सर्किल, और पूरे सर्किल में से एक सेमी सर्किल घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक सेमी सर्किल यानी 1/2 πr². ठीक है, यानी एक सेमी सर्किल बचेगा। पूरा सर्कल में से हम लोग एक क्वाड्रेंट और एक और क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट को घटा देंगे, दो क्वाड्रेंट मिलकर होता है एक सेमी सर्किल, तो सर्कल में से एक सेमी सर्किल घटाएंगे तो बचेगा क्या, सेमी सर्किल। तो रेक्टेंगल के एरिया में हम लोग सेमी सर्किल के एरिया को जोड़ देंगे तो आसानी से हम लोग का एरिया फाइंड हो जाएगा शेडेड रीजन का। तो इसका लेंथ है 12 और ब्रेथ है 8, तो 12 × 8 प्लस 1/2 π का वैल्यू 3.14 यूज़ करना है। और आर गिवन है, आर हमने फाइंड किया था 4 × 4 हो गया, अब दो से ये कैंसिल हो जाएगा,
टू टाइम्स में इक्वल 96 प्लस 3.14 इंटू 4 इंटू 2 हो गया 25.12, दोनों को जोड़ दीजिए 121.12। तो यही हो गया हमारे शेडेड रीजन का एरिया। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।